लोकसभा चुनाव में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि एससी एसटी और ओबीसी का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी बार बार हर रैली में आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस लोगों का पैसा छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच रही है, और अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो अपने इस प्रोजेक्ट को अमल में जरूर लाएगी। पीएम मोदी की ओर से हो रहे तीखे हमलों का जवाब जब तक कांग्रेस देती है तब तक प्रधानमंत्री अपने तरकश से कोई और तीर निकाल कर ले आते हैं। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी की ओर से जो हमले हो रहे हैं उसमें मोदी किस ओर इशारा कर रहे हैं और इसमें सच्चाई क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूँ आपके साथ गुलविश। मोदी ने कहा है कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमान का है। उन्होंने कहा कि ये संयोग नहीं था, ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। उन्होंने कहा कि 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी उसके सबसे पहले किए गए कामों में से एक आंध्र प्रदेश में एससी एसटी आरक्षण को कम कर मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश थी। मोदी ने कहा कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी उसके सबसे पहले किए गए कामों में था आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। इस बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान आया है जिसमें उसने बताया कि कर्नाटक में मुस्लिमों की सभी जाति और समुदायों को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण दिया जा रहा है और ये फैसला साल 2002 में कांग्रेस की सरकार ने ही लिया था। यह आपको ये भी बताना जरूरी है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए राष्ट्रव्यापी आरक्षण का वादा किया गया था। 27% ओबीसी कोटा के भीतर एक मुस्लिम उप कोटा बनाने का भी विचार था। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि केरल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर सरकारी रोजगार और शिक्षा में आरक्षण का बीड़ा उठाया है। हम इस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने के लिए कमिटेड हैं। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 साल बाद साल 2011 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मिश्रा पैनल की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी कोटे के भीतर 8.4% उप कोटा का प्रपोजल रखा जिसमें मुसलमानों के लिए 6% आरक्षण शामिल था। बाद में मंडल आयोग ने फॉर्मूले के आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए इसे घटाकर 4.5% कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यूपीए सरकार ने केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण में से अल्पसंख्यकों के लिए 4.5 उप कोटे की अनाउंसमेंट कर दी। दरअसल मिश्रा पैनल ने सरकारी नौकरियों और गैर अल्पसंख्यक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मुसलमानों के लिए 10% और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा की सिफारिश की। वहीं ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के तौर पर ओबीसी कोटा के भीतर एक उप कोटा बनाने का भी सुझाव दिया। यूपी चुनाव से ठीक पहले उठाए गए इस कदम पर सवाल उठने लगे जिसके बाद इसमें एंट्री हुई चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने मनमोहन सिंह सरकार से यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव के अंत तक कोटा लागू नहीं करने को कहा। वहीं उस वक्त कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद जिनके पास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार भी था, उनका एक बयान भी काफी सुर्खियों में रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो पिछड़े अल्पसंख्यकों को 9% आरक्षण देगी, जिस पर चुनाव आयोग ने खुर्शीद को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। वहीं इस मामले को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटना भी जरूरी है। दरअसल आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। यहाँ मुसलमानों के लिए आरक्षण पहली बार 1993-94 में प्रस्तावित किया गया था जब कोटला विजय भास्कर रेड्डी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की बुनियाद रखी थी। अगस्त 1994 में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों
और 14 अन्य जातियों को 5% का कोटा देने के लिए एक सरकारी फरमान जारी भी किया गया था। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 चुनाव कांग्रेस हार गई, जिसके बाद साल 2004 में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए 5% का चुनावी वादा किया। वहीं जब YS राजशेखर रेड्डी CM बने तो उन्होंने घोषणा की कि इसे 2 महीने के भीतर लागू किया जाएगा। तब केंद्र में UPA की भी सरकार बन गई और इसे पूरा समर्थन दिया गया। इसके बाद से मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने सरकार से कोटा घटाकर 4% करने को कहा, क्योंकि ये 50 की सीमा का उल्लंघन होगा। वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कोटा धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी और दूसरे दलों ने इसका विरोध किया। इसके बाद साल 2010 में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4% मुस्लिम कोटा के लागू रहने पर रोक लगा दी, जबकि अगले आदेश तक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कैटेगरी के तहत 14 कैटेगरीज के लिए आरक्षण जारी रखने का आदेश दिया। वहीं मई 2012 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने UPA सरकार के 4.5% उप कोटा के कदम को रद्द कर दिया, जिसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं मार्च 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की तत्कालीन BJP सरकार ने पिछड़ा वर्ग कैटेगरी के तहत मुसलमानों को दिए गए 4 आरक्षण को खत्म कर दिया था। इस बार चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ज्यादा जातीय राजनीति और धार्मिक भावना जैसे मुद्दे ज्यादा हावी दिखाई दे रहे हैं। बस अब 4 जून को साफ होगा कि जनता कौन से मुद्दे पर वोट करेगी। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।